वेलकम टू सिंपली लक्ष्मी लाइफ गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, देखिए मैं अभी गैस को क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मैंने सुबह सुबह आज खाना बना लिया है और हम लोगों को होली खेलना है ना। एक्चुअली हमारे बंगाली कल्चर में होली से पहले दिन धूल है, तो उस दिन हम लोग भगवान को आबिर देते हैं। और होली खेलने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो बड़े होते हैं घर पे उनके पैर में आबिर देके उनको प्रणाम करते हैं। कृति हम दोनों को करती है, मैं अदनु को करता हूँ, तो उसके बाद ही हम लोग होली खेलना स्टार्ट करते हैं। हैप्पी होली, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है, पूरा भरे गए तो भरे गए तो ओमनी करो है ना। होली खेलते गेले एमनी करे एमनी करे खेलते हाउ डू आई लुक वेरी बैड। काम देखे देखे না আবি মাতলে একটু গরমটা লাগে তাই না। হ্যাপি হোলি কালার তো এখানে ফাঁকা আছে কোথাও ফাঁকা জায়গা চলবে না। হ্যাপি হোলি তো ইয়ে হ্যাঁ হম লোগ কা হ্যাপি হোলি হ্যাপি হোলি ইস বার কা সেলিব্রেশন या अनुपम दा को भी सब पहचानते हैं। लास्ट ईयर जो लक्ष्मी पूजा था ना हम लोगों के घर में, अनुपम दा था, लेकिन कृष्णा दी फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा इन माय चैनल ना कृष्णा दी अच्छी थी ना कृष्णा दी आज जन्मदिन जन्मदिन ना हाँ जन्मदिन किंतु अनेक दिन आगे हाँ अभी माझे माझे आसते हैं ना तले तो सब ये रिद्धिमा और वो रही पहचान लो अभी पहचान लो कौन है খাদে চলে যেতাম। चलो हैप्पी होली हैप्पी होली।
देखो हालत, देखो इस जगह का लग रहा है कि होली खेले हैं। हाँ, अतनु को देख के लग रहा है कि होली खेले हैं। हाँ, पूरा भी देख के लग रहा है होली खेले। देखिए और ये देखो क्रीपी, पालक की सब्जी, मूंग की दाल और फिश बनाया था। कैसी बनी? मस्त, अच्छी बनी ना। ये फिश का जो ये कलिया बहुत मस्त बना है। भालो अच्छे मासे कलिया दारू जोश आसान। अतनु को एक्चुअली ये वाला ही ज़्यादा पसंद है, उसको माछे झोल एक्चुअली पसंद नहीं है, फिश करी पसंद नहीं है, मसाले वाले फिश ज़्यादा पसंद है अतनु को। यहाँ पे मैंने उड़द दाल को कल रात भिगो के रखा था, उसके बाद सुबह मैंने इसको पीस लिया है थोड़ा थोड़ा पानी करके, तो अभी मैं उसको फेंट लूँगी। तो इसके लिए मैंने और एक जगह लिया है क्योंकि ये छोटा हो गया है। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट, तो सॉल्ट मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि दही में भी रहेगा, बस थोड़ा सा ही मैंने सॉल्ट ऐड किया है। अभी मैं इसको फेंट लूँगी। आप मतलब दही बड़े के लिए ना इसको ऐसे फेंटना है, दूसरे साइड में नहीं फेंटना है, जिस साइड पे आप फेंट रहे हो उसी साइड पे फेंटना है। दूसरे साइड में आप फेंटने जाओगे तो इसके अंदर जो हवा रहेगा ना वो निकल जाएगा, फ्लॉपी नहीं होगा बड़े। तो अभी मैं जो बड़े हैं उसको तल लूँगी, तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में ले लिया है ऑयल, मैं यहाँ पे वाइट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और सबसे पहले मुझे चेक करना है कि ऑयल अच्छी तरह से गर्म हुआ है कि नहीं, क्योंकि ऑयल को ना बहुत अच्छी तरह से पहले गर्म करना है, उसके बाद फ्लेम को कम करना है। तो यहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा तो गर्म नहीं हुआ है, सो थोड़ी देर के बाद मैं अभी सारे बड़े जो है ऑयल में डालूँगी। और चम्मच के साथ भी आप डाल सकते हो, नहीं तो हाथ से भी डाल सकते हो। और बड़े जो है ना फुल फ्लेम में फ्राई नहीं करना है, लो फ्लेम में फ्राई करना है ताकि अंदर का जो पोर्शन है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, नहीं तो वो कच्चापन रह जाता है अंदर। और उसके बाद मैं उसको जो जब मैं उसको निकालूंगी तो फ्लेम को थोड़ा हाई कर दूंगी ताकि जो अंदर का ऑयल है वो निकल के बाहर आ जाए। सो यहाँ पर मेरे बड़े जो हैं वो रेडी है। और उसके बाद मैं सारे तले हुए जो बड़े हैं उसको मैं पानी में डाल दूंगी। पानी में डालने से ना ये अंदर से सॉफ्ट बन जाता है, मतलब दही जब आप इसके साथ मतलब दही के साथ इसको डालोगे ना तो ये बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। तो 5 से 10 मिनट रखने के बाद मैं उसको इस तरह से पानी से अलग करके अलग रख दूँगी। और दूसरी साइड पे मैंने एक पैकेट दही लिया है, दही को मैंने ग्राइंड कर दिया था ताकि दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और उसके साथ मैंने थोड़ा सा सॉल्ट थोड़ा सा चीनी ऐड किया है। और उसके बाद सारे जितने भी तले हुए बड़े हैं इसको मैं दही में डाल के रख दूँगी, फ्रिज के अंदर रख दूँगी। आप चाहो तो 2 दिन तक इसको यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद मैं जीरा रोस्ट कर लूँगी क्योंकि जो मीठी चटनी मैं बनाऊँगी उस पर मुझे जीरा चाहिए, तो जीरा को मैं रोस्ट कर रही हूँ। और उसके बाद मैं मीठी चटनी बना लूँगी, तो मीठी चटनी के लिए मुझे चाहिए इमली। तो इमली का पानी मैंने यहाँ पे ले लिया है, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के अनुसार। और लास्ट में मैं चीनी ऐड कर रही हूँ, चीनी थोड़ा ज़्यादा करके लगेगा, मैंने यहाँ पे 5 चम्मच चीनी ऐड किया है। और उसके बाद चेक करके आप फिर से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा पानी देके मैं उसको थोड़ा सा उबाल लूँगी तो ये जो है ना थोड़ा सा गाढ़ा स्ट्रक्चर आ जाएगा। और उसके बाद मेरी मीठी चटनी रेडी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और दूसरी साइड में मैं बनाऊँगी ग्रीन चटनी, तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, चिली और थोड़ा सा कर्ड लिया है, थोड़ा सा सॉल्ट और लाल चिली मैंने लिया है यहाँ पे क्योंकि मुझे थोड़ा सा तीखा बनाना है, तो ग्रीन चिली नहीं था तो इसके लिए। और यहाँ पर पीसने के बाद ये ग्रीन चटनी भी मेरी रेडी है, ये थोड़ा सा तीखी बनती है। तो यहाँ पे आप देखिए सारा कुछ मेरा यहाँ पे रेडी है। थोड़ा सा डेकोर करने के लिए मैंने रख दिया है थोड़ा सा अनार के दाने और रख दिए हैं धनिया पत्ता। सो यहाँ पे मैं अभी इसको डालूँगी और थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट आप ऐड कर सकते हो, चाट मसाला तो मस्ट है, मतलब ऐड करना ही है। तो यहाँ पे मेरी जो दही बड़े हैं बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही लाजवाब बनता है, देख के मुँह में पानी आ जाता है। और अभी मैं बनाऊंगी डिनर, डिनर पे बनेगा दाल मखनी और रोटी। हाँ, क्रीवी का हमारे फाड़ी हो रही है, देखो उसकी फाड़ी हो
आ गई, डाल मखनी का नाम सुनते ही आ गए एकदम। अभी वो डांस कर रहा था। दही बड़ा कैसा लगा? दही बड़ा अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा उसको। वैसे तो जो शॉप में मिलता है ना, जो क्या बोलते उसको, वो क्या बोलते थे, नहीं नहीं मोमो नहीं, वो जो सूखी दही बड़े, दही पूरी, दही पूरी, दही पूरी, हाँ दही पूरी तो मस्त खाती है वो। हाँ ना वो एक तो अलग की नाम दी चलो जाना आई फुचका बात वो जो दही पूरी होता है ना, जो पानी पूरी के अंदर दही डाल के जो बनाया जाता है, सेव को बेसिकली वो भातु बोलती है। हाँ तो वो दही में जाके ना एकदम राइस के जैसा बन जाता है, उसको लगता था एक्चुअली। तो वो बोलती थी फुचका भातु, मम्मा मुझे फुचका भातु खाना है, फुचका भातु ही था वो एक्चुअली, उसमें सेव नहीं था ना। तो आज है नेक्स्ट डे और ये रहा दोनों, और कल का हमारा सेलिब्रेशन बहुत अच्छा रहा है ना, एकदम बहुत मजा आ गया। सडनली हम लोगों को बहुत मजा। और ये रही कृति, कृति आजकल क्या करती है पता है, वो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना उसमें पानी भरते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको डिप मतलब फ्रीजर में, हाँ फ्रिज में डाल देते हैं, उसको बर्फ बनाते हैं मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेफ, बर्फ का डिफरेंट शेप का है ना। हाँ, और मैंने सर्कल भी बनाया। हाँ सर्कल, पर वो बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला स्क्वायर वो टूट गया। अच्छा आज टूट गया आज का? हाँ नहीं बर्फ है ना तो उसके ऊपर उसको रख दो तो वो चिपक जाता है। हाँ चिपक जाएगा वो, बर्फ है ना। ओ और कल हम लोगों का सेलिब्रेशन जो था होली का, सडनली मतलब इतना अच्छा हुआ। मैंने एक्चुअली खाना सुबह बना लिया था क्योंकि कृति को होली खेलना था, ठीक है, तो हम लोगों ने प्लान किया था कि घर में ही ऐसा थोड़ा बहुत करेंगे तो कृति को अच्छा लगेगा, क्योंकि इस साल ना कोई मैसेज ना कोई चैटिंग, मतलब प्लानिंग नहीं था इस बार, नो प्लानिंग, कुछ भी प्लानिंग नहीं था, नहीं था। तो ऐसा था। तो उसके बाद हमारे एक फैमिली है तो जिस मतलब जो कृष्णा दी जिसके साथ मैं मतलब आप लोगों को मिलवाई, तो वो उसकी डॉटर जो है साथ में खेलती है, वो लोग बहुत सारे फ्रेंड है, सो वो आई कृति के साथ थोड़ा सा होली खेलने के लिए। उसके बाद अतनु ने उसके पापा को बोला कि आप लोग नहीं खेलोगे, चलो आप लोग भी आ जाओ, तो वो लोग भी आए करते और कुछ फ्रेंड और दो वो आ गए। हाँ और दो फ्रेंड आ गए, तो उसके बाद सबने बोला कि चलो नीचे चलते हैं, फिर नीचे गए, फिर और लोग आए, तो आते 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 एकदम मतलब बहुत अच्छा मजा आ गया। हाँ बहुत अच्छा हुआ सेलिब्रेशन, सडन सेलिब्रेशन है ना होली का इस बार का, बहुत ठंडी नहीं लास्ट में कृति के ऊपर, एक्चुअली हम लोग फोटो खींच रहे थे तो इस साइड से ना एक भैया आके पूरा बकेट भर के पानी अतनु के ऊपर, और कृति आगे थी तो कृति भी पूरा भीग गई। उसके बाद हम लोग आ गए ऊपर क्योंकि बाहर ना हवा भी चल रहा था, तो लेकिन बहुत मजा आया है ना, बहुत मजा आया एक्चुअली ना। इस बार काफी फैमिलीज जो है यहाँ नहीं है, अपने नेटिव गए हुए हैं कुछ कुछ फैमिली, और मतलब सडन प्लान था ना तो मतलब अच्छा हुआ, लेकिन मतलब और अच्छा होता है हमारे यहाँ पे, और भी अच्छा होता है। लेकिन मैं शायद आप लोगों के साथ अच्छी तरह से शेयर नहीं कर पाई एक साल भी, क्योंकि लास्ट ईयर कोरोना के चक्कर में नहीं हुआ था, उससे पहले मैंने इतना तब मैं थोड़ा थोड़ा करके शेयर करती थी आप लोगों के साथ। सो अगर मतलब वो दिन फिर से वापस आए, हाँ तो डेफिनेटली शेयर करूंगी मैं। ओके तो अभी मैं गिव अवे जो विनर है उनका नाम अभी अनाउंस करूंगी। तो सबसे पहले है दिव्या गुप्ता, कॉन्ग्रेचुलेशन। सैयद हसन इरशाद, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। संजुलिका महातो, संजुलिका महातो कॉन्ग्रेचुलेशन संजुलिका। अपेक्षा शाइनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और उसके बाद है जूली जोसेफ, कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके बाद है ब्रोतोति मित्रो, कॉन्ग्रेचुलेशन। और उसके बाद है ईशा चावला, कॉन्ग्रेचुलेशन। दीपिका कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके बाद है मुद्रा ठक्कर,
कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, नीचे दिए गए जो ईमेल एड्रेस है उसमें आपका नाम, एड्रेस, पिन कोड के साथ और साथ में आपका फोटो आईडी सेंड करना होगा और कॉन्टैक्ट नंबर, हाँ, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट में लिखना होगा सिंपल लक्ष्मी लाइफ गिव अवे विनर। तो आपका गिफ्ट हैम्पर आपके घर में पहुँच जाएगा, है ना? तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। ओके, तो चलिए इस व्लॉग को हम लोग यहीं एंड करते हैं। और ये वाला व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। They keep on telling lies, that is how we stay alive.